वेलकम टू एकेडमिक विनरागी। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को ख़त्म करने के लिए हम चलते हैं आखिरी एपिसोड पे। इसमें हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि बेसिकली ये पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है कि कैसे कैसे धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ी और आज हम इस खूबसूरत पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ते हैं। तो देखो, कोई भी चीज़ शुरू होगी तो शुरू से होगी। हल्का सा मैं ये निकाल दूँ। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको कुछ ऐसा अरेंजमेंट में हम सजाएं, ऐसा रखें हम कि जिससे का क्या हो कि उनको पढ़ना और आसान हो जाए। तो रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने, जो भी थे वहाँ तक, जो भी एलिमेंट्स थे उनको इस तरीके से लगाना चालू किया। तो सन 1817 में एक पहले खिलाड़ी आए, डॉबरनियर। डॉबरनियर ने कहा कि रुको मैं बताता हूँ। अच्छा, इससे पहले कैसे सजाए जाते थे, कैसे अरेंजमेंट किया जाता था एलिमेंट्स का, जितने भी खोजे जा चुके हैं, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए। धीरे धीरे हमारी दिमाग विकसित हुआ और लोगों ने नई नई तरकीब निकाला। तो डॉबरनियर ने सबसे पहला चीज़ दिया, डॉबरनियर ट्राइड्स, इसे हम कहते हैं ट्राइड्स, मतलब वही तीन। इसने कहा कि क्यों ना ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम एटॉमिक मास के इंक्रीमेंट वाले सीरीज में हम लगाएं। इम्पॉर्टेंट, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन्होंने कैसे किया था, एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में रखा था या एटॉमिक मास? सो द आंसर इज एटॉमिक मास। सभी ने, जितने भी हम पढ़ेंगे सभी ने एटॉमिक मास ही चूज़ किया था, उसी ऑर्डर में लगाया था, लेकिन जो हमारा फाइनल अभी वाला है, मोजले वाला, वो ही एटॉमिक नंबर है। अच्छा, तो इसने ऐसे लगाया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगाया और कहा कि ऐसा क्या होगा कि जो सेकंड वाला होगा ना वो एवरेज होगा मास में इन दोनों के। जाहिर सी बात है, अगर इसका मास ए ले लें, इसका बी ले लें, इसका सी ले लें, तो ये कहना चाहता है कि इस बीच वाले का, ये एक है, ये ऐसे दूसरा, ये ऐसे तीसरा, ये ट्राइड्स हैं, तीन की टिकड़ी। तो ये कहना चाहता था कि जो बी का मास है वो असल में ए प्लस सी बाय टू होगा, एवरेज, रफली, लगभग, ठीक है। और यानी कि ए से ज़्यादा बड़ा बी से ज़्यादा बड़ा सी है। किसकी बात कर रहे हैं हम, एटॉमिक मास की। तो ये पहली चीज़ थी जो किसने दिया, डॉबरनियर ट्राइड्स ने। अब देखो, बात ऐसी है कि ये केवल तीन ही पा पाया, लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि एक दो मिल जाए तो उसको हम कहने लगे कि यार ये तो रूल हो गया, नहीं है ना। कोई फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के लिए वैलिड करे, तब तो हम मानेंगे। तो इसने केवल जो बनाया, जो बताया, वो केवल तीन में ही वैलिड हुआ, जो कि लिनाक, सी, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और यही डॉबरनियर ही है जिसने पहली बार ऑब्जर्वेशन दिया था, किसका, मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट। ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो अगर कभी हॉट्स क्वेश्चन बनाने हो, हॉट, तो फिर ये भी पूछा जा सकता है। बाकी ये पहला चीज हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन में, डॉबरनियर ट्राइड्स। फिर एक और आदमी आया, न्यूलैंड्स। अब न्यूलैंड्स ने कहा, अच्छा तब तक 56 एलिमेंट खोजे जा चुके थे, आज हमारे पास कितने हैं, 118 या 120 ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं, और इससे पहले यहां 30 थे, यहां कितने हो गए, 56 एलिमेंट हो गए। तो अब न्यूलैंड्स आए, बोले कि रुको मैं बताता हूं एक बढ़िया तरकीब। तो इन्होंने एक बढ़िया तरकीब बताई, इन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के तहत ही सारे एलिमेंट्स को रखा, ठीक, वहाँ भी मास था, यहाँ भी मास है, हाइड्रोजन से लेके थोरियम तक। तो अगर कभी हॉट क्वेश्चन पूछना हो तो शायद ये पूछ ले कि न्यूलैंड्स के टाइम तक आखिरी एलिमेंट कौन सा था, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा और आपका थोरियम। डायलॉगबाजी ज़्यादा हो गई क्या? अब इन्होंने कहा, अच्छा इसको लॉ ऑफ ऑक्टिव्स भी कहते हैं, ऑक्टेट वाला लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, कि जो एट्थ एलिमेंट होगा और जो पहला एलिमेंट होगा उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी एवरी फर्स्ट एंड एट्थ, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसने ऐसे लगाया, 1, 2 ऐसे करके सारे सात एलिमेंट रखा और आठवें को यहाँ रख दिया। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि इसकी 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 प्रॉपर्टी सेम होगी हर पहले एलिमेंट की, और फिर इसके बाद जो आठवा एलिमेंट आएगा यानी वो ये वाला होगा, उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। वो ऐसे ऐसे रखता गया और यहाँ जो है जो आठवां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम जो यहाँ है, फिर इसके बाद जो आठवां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम। ये कह रहा है कौन? न्यूलैंड्स। इसको कहते हैं हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। हाइड्रोजन टू थोरियम हो गया, एटॉमिक मास हो गया, और ये कुछ थोड़ा सा ये म्यूजिक के सुर की तरह से इसने इसको रिलेट किया कि जैसे अपने हिंदी में हमारे यहाँ तो सरगम होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, अंग्रेजों के यहाँ शायद ये डो रे मी फा सो लाती होता है, डो रे मी फा सो लाती। तो जो स्वर हैं
इसने कहा कि ठीक वैसे रिपीट होते हैं जैसे कि गाने में होते हैं, फिर रिपीट होते हैं ना स्वर, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, या फिर एक साथ लेना हो तो सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धी, सा रे गा रे गा मा गा मा पा पा धा नी धा नी सा नी धा सा नी धा नी धा पा मा मा पा गा गा रे सा, सारेगा रेगामा गमापा मपधा पधनी धानीसा। ठीक है, तो ये है सरगम, और कहीं भी आपको दिख जाए लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या फिर ये स्वर वाले, या फिर मान लो और हॉट क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है सारेगामा जो आपने यहाँ सरगम है वो क्या है, डोरेमी फासोलाती, वैसे नहीं पूछेगा। लेकिन अब इसमें भी कुछ खामियाँ, कुछ कमियाँ, और खामियाँ और कमियाँ किस में नहीं है, लेकिन ठीक है। इनकी लिमिटेशंस में क्या था कि सबसे पहली बात कि ये जो इनका ये जो फॉलो हो रहा है ना ओनली अप टू कैल्शियम हो रहा था, ध्यान देने वाली बात, यानी कैल्शियम कहाँ है, ये रहा, यहीं तक फॉलो हो रहा है, यानी ऐसे 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 करते करते आप आएंगे तो यहाँ तक, यानी कि जो हाइयर एटॉमिक मास वाली चीज़ें हैं, यानी कैल्शियम का मास लगभग 40, और इसने अरेंजमेंट में कैसे लगाया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के तहत है ना ऑर्डर में, कैल्शियम के बियॉन्ड आप जाते हैं, यानी इसके से ज़्यादा जो भारी वाली चीज़ें हैं तो हाइयर एटॉमिक मास में ये फेल कर जा रहा है। तो ड्रॉबैक पहला क्या हो गया, हाइयर एटॉमिक मास में फेल्स टू फॉलो, है ना, यही है, कैल्शियम तक ही फॉलो कर पा रहा है। अच्छा, न्यूलैंड ने ये भी कहा 56 एलिमेंट खोज लिया गया है, तो उसने कहा कि नहीं नहीं अब और कोई डिस्कवरी भी नहीं हो सकती, जो कि ऐसा नहीं है क्योंकि आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। दूसरा, इसने एक और क्या कहा, गलती की कि ही पुट टू एलिमेंट्स इन वन स्लॉट, और जिनकी प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट है, लेकिन एक कवि ने कहा क्या था कि इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। अब जैसे कोबाल्ट और निकल को यहाँ डाल दिया, चलो डाल दिया तो डाल दिया, दो को तुमने एक में एडजस्ट करा दिया, चलो माना, लेकिन यार इनकी प्रॉपर्टी क्लोरीन और फ्लोरीन से तो नहीं मिल रही है ना, तो ये डिससिमिलर है। तो ये एक और ड्रॉबैक्स कि जिस स्लॉट में डाला उन सब की प्रॉपर्टी सेम नहीं है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की मानते हैं कि सेम है, लेकिन कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज फ्लोरीन और क्लोरीन से तो नहीं मिलती। एक और दुविधा, देखो आयरन कोबाल्ट निकल इनकी प्रॉपर्टी मिलती है, तो इनको तुमने इतनी दूर कर दिया, ये दूरियां इन राहों की दूरियां फना हो सभी दूरियां, तो कोबाल्ट निकल बेचारे इधर और आयरन उधर, जबकि इनको एक ही साथ होना चाहिए था, चाहे इनको इधर डालो इनको इधर डालो, अगर हम क्या देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ सेम हो तो। लेकिन न्यूलैंड्स ने अपने हिसाब से बनाया, जितना ठीक बना बना, बाकी कुछ खामियां किसमें नहीं, ये कुछ एक्सेप्शंस थे इसके, और लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही फॉलो हुआ है ना, क्योंकि कैल्शियम के बियॉन्ड फिर नहीं हो रहा था। अब तीसरा, इस पीरियोडिक टेबल में जो सबसे मेजर क्रेडिट अगर किसी शख्स को जाता है तो वो है मेंडलीव। मेंडलीव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर एंड नॉट द हेनरी मोजले, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ लाई वो बड़ी काबिले तारीफ है। अब देखो, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी चली आ रही थी एटॉमिक मास वाली, इन्होंने उसको तो लिया कि भाई एटॉमिक मास के तहत मैं लगाऊंगा, लेकिन साथ में साथ जो इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ रखी वो इनका मेजर ये है, ये तो माइनर है, इंजीनियरिंग भी आ गया इसी में, एक ओपन इलेक्टिव भी बता दूंगा आगे, ठीक है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी, सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, उन्होंने कहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सिमिलैरिटी होगी उनको मैं एक साथ रखना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने कंपाउंड पे फोकस किया, जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को रिएक्ट करवाया किससे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, ठीक। अब एक कंपाउंड बनेगा, मान लेते हैं कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया होगा, हाइड्रोजन लिया तो पानी बन गया होगा, या फिर कोई और ले लिया, कुछ और बता दो यार, सिलिकन ले लो, SiO2 बन गया। जितने भी एलिमेंट है कार्बन हाइड्रोजन सिलिकन फलाना XYZ, या चलो हम R, केमिस्ट्री में हम R यूज़ करते हैं वेरिएबल, जैसे हम मैथमेटिक्स में X और Y लेते हैं, वैसे यहाँ R कह देते हैं, R मतलब कुछ भी, कार्बन की कितनी भी बड़ी चेन ले लो, तो RO एक कंपाउंड बनेगा और RH एक कंपाउंड बनेगा, ठीक। अब यहाँ R2O हो सकता है, RO2 हो सकता है, जैसे इनकी वैलेंसी हो, जैसे वो रिएक्ट करें वो तो ठीक है। अब उस एलिमेंट को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से उसने रिएक्ट कराया, अब यही क्यों लिया, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तभी तो अच्छे से रिएक्ट हो जाएगा। अब कोई ऐसा एलिमेंट ले ले जिससे रिएक्ट नहीं हो रहा है, तो वहीं रिएक्ट कराया पड़ा है, रीडिंग तो बाद में लेगा, पहले तो रिएक्ट कराने में टाइम लगा देगा, ठीक। तो वाई इसलिए, क्योंकि ईजिली हाईली रिएक्टिव है ये। अब इनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स इसने बना लिया।
अब जिनका जिनके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आ रहे हैं उनको उसने एक साथ लिख लिया। जैसे मान लो कोई कंपाउंड R2O बना रहा हो, मैंने एक X कंपाउंड लिया, ये भी X2O बना रहा है, तो ये एक साथ हो जाएगा। कोई R3O बना रहा है, X3O बना रहा है, तो ये एक साथ हो जाएगा, है ना। सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को एक साथ रख दिया, जैसे ये। अब देखो ये R वाला कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए ना। R का क्या मतलब है? कुछ भी, कोई भी एलिमेंट का नाम लिख लो, केमिस्ट्री में चलता है। ऑक्साइड और हाइड्राइड, अच्छा इसमें ग्रुप भी हैं इसके, देखो कितने ग्रुप हैं, 8 ग्रुप हैं। कहाँ से? 1 से लेके 8, ऐसे रोमन में लिखा है तो हम भी रोमन में लिख देते हैं, पर 1 से 8 ले लो। पीरियड भी है इसके में, देखो पीरियड कितने हैं। अच्छा ग्रुप और पीरियड बहुत पहले ही मैंने एक बार बताया था, ग्रुप मतलब जो, पीरियड मतलब जो पड़ा हो, पी से पड़ा, ग्रुप मतलब जो गड़ा हो। ये देखो ये गड़ा है ना, तो ये ग्रुप हो गए वर्टिकल वाले, क्योंकि ग्रुप गड़ा होता है और पीरियड पड़ा होता है। ये बहुत पहले शायद किसी एपिसोड में मैंने बताया था। और अब इसमें देखने वाली बात क्या है, पीरियड कितने हैं, 6, चलो ये भी लिख लो, ठीक ये चीज़ है। अब देखो इसमें ग्रुप में भी फर्दर डिवीजन दिख रहा है मुझे, तो ए और बी, ये देखो ए बी ए बी ए बी, इसमें नहीं है सिर्फ, है ना, 8 वाले में नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसमें एक ये है, ये ए हो गया होगा, ये बी हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक। और क्या काम किया इस लड़के ने, ठीक है इतना काम किया, ऑक्साइड हाइड्राइड से रिएक्ट करा के कार्ड पे लिख लिया और सारे एक प्रॉपर्टीज़ वालों को एक साथ डालता चला गया। एक ये लाइन आपको हो सकती है परेशान करे, क्योंकि मुझे परेशान करती थी जब मैं बचपन में था, 9th 10th में, तो एक लाइन चलती है यहाँ पे कि फलाना कैसे कहते हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ दिस मेंडलीज पीरियोडिक टेबल आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब क्या है कि जितने भी ये एलिमेंट्स हैं वो किस ऑर्डर में लगाए गए हैं, एटॉमिक मास वाले ऑर्डर में। अगर ये बोल दे कि फलाना दीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब कि ये जो भी एलिमेंट्स लगाए हैं किस ऑर्डर में लगाए हैं, एटॉमिक मास को कंसिडर करते हुए लगाए हैं, और एटॉमिक नंबर को कंसिडर करते हुए लगाए हैं, जो कि आपको मिलेगा सिर्फ हेनरी मोजले वाले केस में, जो कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये क्या है, एटॉमिक नंबर को हमने कंसिडर किया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं इसमें, जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लिख देते हैं, रहन तो ज़्यादा हो जाएगा, काम का नहीं है। फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और क्या इसमें है, और क्या है, जो है यही है। अब देखो कुछ अचीवमेंट, HL इशू, ये कौन सा इशू है यार, कई बार हम लोग नोट्स में ऐसी चीज़ें लिख देते हैं लेकिन फिर हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं ना। हाई लो इशू होगा मेरे ख्याल से, हाई लो इशू, ठीक। वेट वाला, वेट लिख देना चाहिए था मुझे, कि देखो अब एटॉमिक मास में थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ भी आई, जैसे कि कोबाल्ट और निकल, देखो भारी कौन, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए लेकिन कोबाल्ट आ गया पहले, ठीक। तो थोड़ा बहुत यहाँ भी दिक्कत देखने को मिलती है कि यार एटॉमिक मास, पीरियोडिक फंक्शन कंसिडर किया था, लेकिन फिर भी कई जगह ये फॉलो नहीं हो पाता। अब कहा ना कुछ खामियाँ सब में होंगी, अब तुम खामियाँ ही देखना चाहो, तुम केवल मेरी खामियाँ देखना चाहो तो तुम्हारी गलती ना, मतलब उस एक्स की गलती, एक्स और वाई की गलती। ए एल और एस आई गाएँ, ये देखो यहाँ पर भी एक आपको देखने को मिलेगा और एक टेल्यूरियम और आयोडीन में भी देखने को मिलेगा। क्या? कि जो भारी वाला है वो पहले लिखा गया है, जो कमज़ोर है, जो हल्का है, वो बाद में लिखा गया है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच कर रही थी तो यहीं लिखना पड़ा, क्या करें। अच्छा अब इसमें देखो, इसने कुछ गैप्स छोड़ रखे थे, उसने कहा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो भविष्य में खोजे जाएंगे और उनकी प्रॉपर्टी ठीक इससे मिलेगी, तो उसने बहुत ही बेहतरीन बात कर दी। और उसका नाम भी उसने पहले ही दे दिया था, किसका, जो एलिमेंट अभी खोजा नहीं जा चुका है। उसने एक ई का वर्ड, एक ये प्रीफिक्स लगा दिया था उसके सामने, प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर हॉट क्वेश्चन बनाना हो, अगर मैं एग्जामिनर होता और मेरे पास सवाल खत्म हो जाते तो मैं यहाँ पे पीरियड डाल के एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना देता कि ई का नेम तो दिया लेकिन किसके, प्रीवियस एलिमेंट के, प्रीवियस एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। तो ये तीन इसने वो छोड़ा था जगह, जो कि बहुत ही फेमस है और ये क्वेश्चन आते हैं।
मतलब इस चैप्टर से तो कम आए लेकिन अदर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको याद करना है। देखो यहाँ पे खाली था, तो इसका नाम क्या रख दिया, गैलियम का, ई का एल्यूमिनियम, इसके पहले जो है। यहाँ खाली था स्कैंडियम जो कि बाद में खोजा गया, यहाँ पे गैप्स थे तो इसी में प्रीवियस एलिमेंट के नाम पे रखा गया, तो इसका नाम रखा गया ई का बोरोन, स्कैंडियम का ई का बोरोन, इसका ई का एल्यूमिनियम। याद कैसे करना है मैं बता दूंगा, एक ट्रिक है मेरे पास। यहाँ पे एक गैप था जर्मेनियम, प्रीवियस एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप, दिस इज ग्रुप, ग्रुप इज अ गढ़ा, इसका नाम रखा ई का सिलिकन। तो देखो ई का बोरोन ये न्यू वाले हैं, ठीक, ये अभी खोजे नहीं गए थे, तो इनका नाम पहले क्या था, ई का बोरोन, बोरोन हमें पता था, तो बोरोन के नाम पे हमने एक कह दिया ई का बोरोन, जो कि आएगा आगे चल के और आगे मिला भी, उसका नाम पड़ा स्कैंडियम, जिसकी प्रॉपर्टी ठीक उससे मिलती थी कि ई का बोरोन से। फिर ई का एल्यूमिनियम को ही आगे चल के जो डिस्कवरी हुई उसका नाम पड़ा गैलियम, और ई का सिलिकन ही कौन है, जर्मेनियम। तो अब आपको इसकी वो याद करनी पड़ेगी कि भाई कौन कौन क्या है। तो मैं एक छोटी स्टोरी बता तो सकता हूँ यार, पर बता दूँ। अच्छा एक और बढ़िया बात क्या थी कि नोबल गैसेस उस टाइम तक खोजे गए नहीं थे। कितने एलिमेंट हुए देखो, 63। तो नोबल गैसेस जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव हैं, तो बहुत ही कम कंसंट्रेशन में हमारे पृथ्वी पे मिलेंगे, बहुत ही लेट में डिस्कवरी हुई और आराम से वो फिट हो गए, तो ये भी एक बढ़िया बात थी कि कोई दिक्कत नहीं हुई नोबल गैस आने से, है ना। एक नया बना दो जहाँ फिट हो जाएंगे। अब देखो ये आपको याद करना है, तो मैंने तो ऐसे याद किया था ए जी सी जे बस कर बो इसका। अब देखो ए जी सी जे बस कर बस कर बस कर डाल दे और क्या। अब देखो हुआ यूं कि मैं था या कोई भी था, तुम लोग अपने हिसाब से कर लेना, मैं था और मेरी वो थी, तो ए जी सी जे, तो अब हुआ क्या कि मेरे शर्ट की बटन टूट गई, तो उसने कहा ए जी सुनिए बटन लगा देते हैं, सी जे मतलब सी जे सिलना, अरे थोड़ा सुज्जा सुज्जा सा भी फीलिंग आ रही है ना, ये सिलने वाली सुई हुई वाली, उसने कहा ए जी सिल दें क्या, हाँ। तो फिर उसने सिला, और सिला तो यहीं कहीं चुभ गया, और जब चुभ गया तो मैंने कहा कि रहने दो तुम बस करो, ठीक, देखो स्टोरी ध्यान देना, ए जी सी जे नहीं नहीं बस करो, ठीक है सिल दिया तुमने। तो अब देखो ये है एल्यूमिनियम, ए से जी से गैलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम, ठीक, सी जे सी से सिलिकन, जे से जर्मेनियम, ये भी ठीक है, बस्कर बोरोन और स्कैंडियम स्कैंडियम, ठीक है। नहीं तो समझ लो ये बंगाली है, तो बॉस्कर कह रही है, बॉस्कर वो लोग थोड़ा ऐसे बोलते हैं ना, रसगुल्ला, तो शी इज़ फ्रॉम बंगाल, तो बोरोन का क्या हो जाएगा, स्कैंडियम, तो आप समझ गए है ना। तो बटन लगवाना लेकिन अभी नहीं, अभी इसको याद कर लो, ए जी सिल दें, सी जे नहीं नहीं बस करो बस्कर, ए एल्यूमिनियम, जे गैलियम, सी जे सी सिलिकन, जे जर्मेनियम, एस आई सी जे बस्कर बोरोन एंड स्कैंडियम, ठीक है। ये पूरी कहानी थी, इस तरीके से आप उसको याद करो, चाहे जैसे याद कर लो यार, मुझे क्या, मैं तो अपने ज़माने में ऐसे ही याद किया था तो आपको बता दिया। अब देख कुछ खामियां फिर से कि सबकी होंगी यार, लिमिटेशन क्या है कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि ये महाशय लगा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के तहत, और इसकी प्रॉपर्टी एल्केली मेटल से भी मिल रही है और हैलोजन से भी मिल रही है। एल्केली मेटल मतलब पहला वाला ग्रुप जो हाइड्रोजन वाला है, मतलब H+ भी बना ले रहा है, माइनस भी बना ले रहा है, तो यहाँ वाले में रखें या यहाँ वाले में रखें, ये थोड़ी दुविधा जो कि आज तक सुलझाई नहीं, क्योंकि ये दोनों तरह से फिट बैठ रहा है। मॉडर्न वाले में तो हमने इधर डाल दिया है, लेकिन फिर भी इसकी पोजीशन हाइड्रोजन की फिक्स नहीं है, H मतलब हाइड्रोजन। अब देखो एक आइसोटोप का इशू आ रहा है, आइसोटोप हालांकि डिस्कवर बाद में हुए, आइसोटोप मतलब जैसे कि क्लोरीन, आइसोटोप क्या होता था, आइसोबार क्या होता था, आइसोबार मतलब भार सेम, तो यहाँ पे भार डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, यानी कि जेड सेम होता है इसमें आइसोटोप में, एटॉमिक नंबर सेम होता है,
एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, है ना। अब एटॉमिक मास जब डिफरेंट है तो यानी कि जब आप रखेंगे तो अलग अलग उसमें आएगा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। तो अब ये दिक्कत आ रही है कि क्लोरीन का मान लो एक वो है 35 वाला मास और एक क्लोरीन का 37 वाला मास, है ना, यही है ना। तो अब या तो 35 रखो 37 रखो, तो क्या क्लोरीन को हम अलग अलग लिखें, या फिर अब केमिकल प्रॉपर्टीज तो लेकिन सेम होगी ना आइसोटोप की, आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज वाला हिसाब देखें तो भाई क्लोरीन है तो वैसे ही बिहेव कर रहा है, तो हम एक ही जगह रखें। तो ये दुविधा है कि सेम रखें इसको मानते हुए या अलग अलग रखें आइसोटोप को एटॉमिक मास के चक्कर में, एक ये दिक्कत। हालांकि बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है ये सब, है ना, इसने बहुत ठीक काम किया है, किसने, क्या नाम था इनका, मेंडलीव, बढ़िया आदमी था, गुड गुड वर्क। एक और जो सभी में ये दिक्कत देखने को मिलती है कि एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर, ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे हमने यहाँ देख ही लिया कोबाल्ट निकल वाले में देख लिया था, है ना, कई जगह ये तीन जगह कोबाल्ट निकल ALSI और TEI, कई जगह क्या होता है कि नहीं हो पाता, ये कपड़े सिलने वाला याद कर लेना AG CJ बस करो। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जिसे हम और आप पढ़ते हैं। ये 1913 में दिया हेनरी मोजले साहब ने, और इन्होंने कहा कि मैं एटॉमिक नंबर को ऑर्डर में डालूंगा। तो ये इकलौता अभी तक जितना हमने पढ़ा पहला है जिसने कहा कि भाई हम एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में डालेंगे ना कि मास को मानते हुए। एटॉमिक नंबर बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बराबर होगा, हालांकि इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं क्योंकि वो या तो दिए जाते हैं या तो किसी से लिए जाते हैं। अभी आपको पता है 18 वर्टिकल्स हैं 6 हॉरिजॉन्टल्स हैं। वर्टिकल्स बोले तो गढ़ा हुआ यानी ग्रुप, हॉरिजॉन्टल यानी पड़ा हुआ, दैट इज पीरियड। 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। देखो इसमें शेल होते हैं, शेल को KLM कहकर बुलाया जाता है। मान लो ये न्यूक्लियस है तो ये पहला वाला न्यूक्लियस के जो सबसे करीब वो K, अगले शेल को L कह देंगे, अगले शेल को M कह देंगे, तो धीरे धीरे ऐसे हम कहते रहते हैं। हर शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो कितना आ सकता है, ये एक फॉर्मूला है 2n2 वेयर n इज अ नंबर ऑफ शेल। यानी कि अगर हम फर्स्ट में बात करें, फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं, 1 रखा तो आंसर इज 2, n की वैल्यू 2 डाल दो, 2 टू जो 4 टू जो 8, n की वैल्यू 3 डाल दो, 3 टू जो 9 18, ठीक। ये एक और, हालांकि ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला नहीं है लेकिन 10 तक के लिए बहुत ठीक है। आगे फिर बोर्स ब्यूरी कन्फिग्रेशन आ जाते हैं बहुत सारा, फिर हम ऑक्टेट में खेलने लगते हैं। हेलो, तो ये सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर चुका था लेकिन अभी क्या हुआ कि मैं आगे पढ़ा चुका था लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब मुझे वापस, अभी मैंने देखा तो मुझे ये चीज़ें वापस पढ़ानी पड़ रही है। तो फिर पढ़ाते हैं आपको हम बाकी बची हुई चीज़ें। मेरे ख्याल से मैं यहाँ तक पढ़ा दिया था 2n2 वाला फॉर्मूला, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप इस सिंपल से फॉर्मूले में डालेंगे और आपको मिल जाएगा इसका जवाब, ठीक। हालांकि इसमें उसका खेल भी आता है, ऑक्टेट और हाफ फील्ड ऑर्बिटल, जो कि SPDF कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमें पढ़ना नहीं है। एनोमली ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एक और दिक्कत है, क्या है कि हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं है। हम चाहें तो एल्कली मेटल्स यानी पहले वाले उसमें रख सकते हैं, है ना, हाइड्रोजन हीलियम हलीना की रब से फरियाद, और या फिर हैलोजन वाले में यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, वहां पर भी रख सकते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं ट्रेंड्स। अच्छा, ये अभी मिटेगा नहीं, अपने ही रंग में रंगने वाली, चलो उसको लिखा रहने दे। तो देखो एटॉमिक साइज का क्या मतलब होता है, एटॉमिक साइज कहीं भी अगर कोई कुछ कहे तो उसका मतलब होता है रेडियस ऑफ एटम। कहने को तो हम, अच्छा मैं पेन इस बार दूसरी ले लेता हूँ, नाउ माई पेन इज ब्लैक। कहने को हम डायमीटर को भी साइज कह सकते थे लेकिन अब कहने वालों ने क्या कहा, एटॉमिक साइज का मतलब है रेडियस ऑफ एटम। अच्छा, अब हम ट्रेंड की बात करते हैं। ट्रेंड में क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लो आपके पास ये है सोडियम, जब आप पीरियड में, ये लेफ्ट है, यार ये कितने अच्छे समझाया था, सब उड़ गया, ये राइट है। जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो देखो एटॉमिक नंबर में एक बढ़ रहा है ना, 11, 12, 13, 14, यानी कि एटॉमिक नंबर का एक बढ़ना, इसका मतलब एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना। जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा लेकिन शेल नहीं बढ़ा, इस शेल में ही एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब इस एटम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा बढ़ गया और
अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो नया ऐड हुआ वो न्यूक्लियस से और ज़्यादा अटैच है, तो इसका साइज़ डिक्रीज होगा। लेकिन वहीं जब आप पीरियड में जाते हैं, यानी जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू शेल। तो जैसे ही एक न्यू शेल ऐड हो रहा है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो और दूर जा रहा है न्यूक्लियस से, यानी कि अब इनकी बॉन्डिंग, किसकी बॉन्डिंग, न्यूक्लियस से उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो बॉन्डिंग है वो डिक्रीज हो रही है। तो अब ये टूटना आसान है, इसका साइज़ न्यू शेल की एडिशन की वजह से और बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं यानी कि पीरियड में, तो जो साइज़ है एटम का वो डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और ये जारी राम का था। लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, तो एक शेल बढ़ता जाता है और जो एटम का साइज़ है वो इंक्रीज होता है। एटम का साइज़ रेडियस, इसमें एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसी का साइज़ पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। हाइड्रोजन का 37 पिकोमीटर है, 1 पिकोमीटर इज 10^-12 मीटर आई गेस। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कोई और कलर लेता हूँ, लेट्स टेक ब्लू। तो यही चीज़ मैंने पूरी अच्छे से समझाई थी, और कहाँ हो। अच्छा आप देखो, इसमें इधर वाले जो हैं वो सारे मेटल्स हैं, ये वाले जो हैं हाइलाइटर का ऑप्शन, ये वाले जो है ना, ये, अरे यार, लेज़र, ये जो है ना, ये पूरा, ये सारे मेटल हैं। इधर ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, ये मेटलॉइड्स हैं, या फिर इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, सेमी मेटल। सेमी मेटल मतलब कभी मेटल से कभी नॉन मेटल, कभी ये कभी वो, कभी मैं कभी वो, है ना, ये इधर वाले कौन है, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक। अब देखो 18 ग्रुप और 7 पीरियड, अपने ही रंग में रंगने वाली, ठीक है। हाँ मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे आपको मिलेगा एक zigzag लाइन। ये जो zigzag लाइन है ये किसको किसको हटा रहा है, ये जो पिंक वाले हैं ये मेटलॉइड्स हो गए, यानी कि बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, ये सात लोग कौन है, मेटलॉइड्स। इनके लेफ्ट में मेटल, इनके राइट में नॉन मेटल। अब देखो इसमें ट्रेंड की अगर हम बात करें, तो एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो निगेटिव का। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, राजा आदमी हो गया, उनके ऊपर लग जाएगा प्लस। एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया था Na+, सोडियम प्लस, ठीक। ठीक इसी तरीके से नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब ले लिया तो तुम माइनस, फॉर एग्जांपल क्लोरीन Cl-, सॉरी। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है और नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। एक को हम पढ़ते हैं, दूसरा वाला ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव को लेके चलता हूँ, या फिर मैं मेटल्स के बारे में लेके चलता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे है, हम ट्रेंड पता करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की। एक बार आप इसको समझ लेंगे तो बहुत याद करने की ज़रूरत होती नहीं है, मैं खुद ही याद नहीं किया था कभी, आराम से पता लगा सकते हैं। अब देखो क्या है यहाँ पे, ये रहा अपना पीरियोडिक टेबल, इसको ऐसे पीरियोडिक टेबल कंसिडर कर लो। यहाँ से जैसे ही आप आगे जा रहे हो, या फिर यहाँ से, या तो आप नीचे जा रहे हो, तो अब देखो जैसे आप नीचे जा रहे हो, पहले उसको देखते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था वो न्यूक्लियस से बहुत दूर जा रहा है, अब उसको तोड़ पाना बहुत ही आसान, और अब वो जो भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन बहुत ही ईजिली लूज कर देगा, और इसी को तो हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इसी को तो हम कहते हैं मेटेलिक करेक्टर। तो यानी कि नीचे जाने पर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइज़ बढ़ गया, और अब इसको तोड़ पाना, इस इलेक्ट्रॉन को निकल जाना बड़ा आसान। तो यानी नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो आपको पता है साइज धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, क्या अब उस इलेक्ट्रॉन को इसके चंगुल से निकल पाना आसान है, नहीं, अब और मुश्किल होता जा रहा है। यानी जब आप पीरियड में जा रहे हैं तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन इसको तोड़ कर निकल नहीं सकता, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है। अगर नॉन मेटल के टर्म्स में कहें तो मेटेलिक कैरेक्टर का घटना इज सेम एज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का बढ़ना। तो अगर एक का याद कर लो, सिर्फ मेटल का याद कर लो, और नॉन मेटल का पूछे तो उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर नॉन मेटल पूछें तो नॉन मेटल इधर जाने पे पीरियड में बढ़ रहे हैं, और यही तो अभी हमने देखा, इधर मेटल्स, देन मेटलॉइड्स, देन नॉन मेटल, धीरे 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 तब्दील हो रही हैं चीज़ें। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
तो यानी कि अगर हम देखें मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होना चाहिए, सबसे पहले इधर मेटल है, इधर का कोई आदमी होना चाहिए, अरे रे रे यहाँ का कोई आदमी होना चाहिए। इसमें जो सबसे नीचे है सीजियम या फ्रांसियम में से किसी एक को इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, हालांकि अब थोड़े बहुत एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, फ्रांसियम होना चाहिए देख के यही लग रहा है, लेकिन जो भी है सीजियम इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यही शायद कहा जाता है। अब ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, तो वो है आप हमारे पास कहाँ गया फ्लोरीन, क्लोरीन नहीं। एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जैसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, लेकिन वो हमें पढ़ना नहीं है, वो क्लोरीन है, ये फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दो चीज़ें आप याद कर लो। एक और ट्रेंड जो आपको याद करने की बेहद ज़रूरत, और शायद मैंने इससे पहले कोई किसी एपिसोड में बताया भी हो, वीडियो में क्या कहते हैं उसको, कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये लाइन मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि मैंने ऐसे याद किया था, और मैं चाहता हूँ आप भी यही याद किए, यही याद करें क्या, कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। गर्मी बहुत है, और नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, ये तो आपको पता ही है ना। अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, डॉबर्नियर क्या था, डॉबर्नियर वही ट्राइड्स है ना, याद है ना, तीन, पहला दूसरा तीसरा, पहले और तीसरे का आप एवरेज लेंगे जो कि 2 के एटॉमिक मास के लगभग बराबर होगा। न्यूलैंड्स कौन सा, न्यूलैंड्स वही ऑक्टेव्स वाला जिसने कहा सरगम, यानी कि सारे गामा पाधा नी सा सानी धापा मागरे सा, सारे गा रेगामा गामा पा मापधा पाधनी धानी सा। मेंडलीव, मेंडलीव कौन, वही मेंडलीव वही आदमी है जिसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट हम देंगे किसके लिए, इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए, ये वही आदमी है जिसने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स रिएक्ट कराए थे, इनको कार्ड्स में बनाया था। गैप्स भी इसी आदमी ने दिया था, और गैप्स से याद आते हैं मुझे तीन नाम, वो लड़की वाला जो आपके शर्ट में बटन लगा रही थी और गलती से चुप गया, बड़े प्यार से उसने कहा ए जी सिल दें बस करो, ये तीन चीज़ थी। फिर आए थे हेनरी मोज़ले, हेनरी मोज़ले वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम और आप आज पढ़ते हैं, दैट इज हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन एंड फलाना ढिमकाना। ट्रेंड्स तो यार पढ़ ही लिया ना हमने, क्या मेटेलिक कैरेक्टर वाला देख लेना कहाँ बढ़ता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया, और साइज वाला, दो ही तीन बेसिक चीज़ें हैं और तो कुछ पूछेंगे नहीं। साइज के अलावा कैटायन एनायन अगर कह दें तो आपको पता है कैटायंस का मतलब होता है पॉजिटिव, कैट मतलब, अब चाहे तो कैट में टी आता है इसलिए पॉजिटिव याद कर लो, नहीं तो बचपन में मैंने याद किया था कैट मीन्स कैटरीना एंड वेरी पॉजिटिव, पर अब वो भूल जाओ। अब कैट में टी जब मैं यहाँ पढ़ाता था तो मुझे एक लड़की ने बताया भैया ये ज़्यादा ईजी है, हाँ सही कह रही हो, तो ये उसकी दी हुई है कि टी मतलब टी में ऐसे प्लस का साइन है, तो कैटायन इज पॉजिटिव एनायन इज नेगेटिव। और इसकी अगर आपको पीडीएफ की दरकार हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, दैट इज academic.vinragi। आप today's.newspaper इस इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, हालांकि अब मैं इसका नाम चेंज करने वाला हूँ क्योंकि अब हमारा मेजर फोकस रहता है कोर्ट्स पे, न्यूज़ पे, इंजीनियरिंग मीम्स पे, या फिर झूठ मूठ की शायरियों पे। तो अगर आप चाहें तो इस इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करिए, दैट इज़ केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी। और अगर आप इस वीडियो को बहुत सालों बाद देख रहे हैं तो हो सकता है तब तक पॉलिटी की भी वीडियोस, पॉलिटी और हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इन सब की भी वीडियोस काफ़ी हद तक आगे पहुंच गई होंगी। तो कल मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू, टेक केयर, बाय।